हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूनिट फोर मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक सो शेल वी स्टार्ट वन डे लिटिल मिस्टर रैबिट वाज़ रनिंग अलोंग द बीच लिप्टी लिप्टी व्हेन ही सॉ मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट टॉकिंग टुगेदर। एक दिन की बात है जब लिटिल रैबिट बीच पर दौड़ रहा था तो उसने मिस्टर वेल vale और मिस्टर एलिफेंट को बातें करते हुए देखा यू आर द बिगेस्ट क्रिएचर ऑन लैंड मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर वेल एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएचर इन द सी यस एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स मिस्टर वेल ने मिस्टर एलिफेंट से कहा कि आप तो इस ज़मीन पर सबसे बड़े एनिमल हो और मैं इस समुद्र में सबसे बड़ा हूँ और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग दैम ही वॉन्टेड टू हैव सम फन सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक जो लिटिल मिस्टर रैबिट था वो बहुत देर से मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट की बातें सुन रहा था और उनको देख रहा था तो उसको मस्ती सूझी और रैबिट ने सोचा क्यों ना प्रैंक किया जाए यानी मजाक किया जाए ही रैन अवे एंड गॉट अ वेरी लॉन्ग वेरी स्ट्रोंग रोप देन ही ब्रॉट आउट हिज बिग ड्रम एंड हाइड इट इन द बुशेज तो जो रेबिट है वो भाग कर जाता है और एक लंबी सी और स्ट्रोंग सी रोप यानि रस्सी लेकर आता है और फिर उसके बाद वो एक बिग ड्रम लेके आता है जिसको वो बुशेज यानी झाड़ियों में छुपा देता है ही टुक द रोप इन हिज हैंड एंड वेन टू द बीच वेयर मिस्टर वेल वॉज स्विमिंग मिस्टर रैबिट क्या करता है हाथों में उस रोप को लेकर जाता है बीच की तरफ जहाँ पर मिस्टर वेल जो है स्विमिंग यानी तैर रहा होता है ओ प्लीज़ डियर मिस्टर वेल ही सेड विल यू प्लीज हेल्प मी मिस्टर रैबिट मिस्टर वेल से कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे वट इज इट रैबिट मिस्टर वेल आस्ट यू लुक वर इट वट जो मिस्टर रैबिट है Uh, उस मिस्टर uh, रैबिट को परेशान देख के मिस्टर वेल पूछता है कि आप क्यों परेशान हो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी ओ मिस्टर वेल सेड मिस्टर रैबिट माय काउ इज़ टक इन द मड नियर दैट हिल विल यू प्लीज हेल्प मी पुल हर आउट तो जो मिस्टर रैबिट है वो मिस्टर वेल से कहता है कि जो मेरी काओ है वो मड यानी कीचड़ में फंस गई है हिल के पास पहाड़ के पास तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे उसको बाहर निकालने में आई आस्ट सो मैनी एनिमल्स बट नो वन इज एज स्ट्रोंग एज यू नन ऑफ दैम कड पुल हर आउट Please, प्लीज हेल्प मी तो जो मिस्टर रेबिट है वो uh, वेल को बोलता है कि मैंने बहुत एनिमल से पूछा लेकिन कोई भी आपके जैसा स्ट्रांग नहीं और कोई भी उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज स्माइल्ड एंड सैड स एट वानस मिस्टर वेल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो एग्री uh, हो जाता है मिस्टर रेबिट की हेल्प करने के लिए थैंक यू मिसल सेड मिस्टर रैबिट जो रैबिट है वो वेल को थैंक यू बोलता है दिस इज़ वॉट आई विल डू आई हैव दिस स्ट्रांग रोप जो रैबिट है वो बोलता है कि मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग रोप है आई विल टाई वन एंड अराउंड यू एंड द अदर एंड अराउंड माई काओ मैं इस रोप को इसका जो एक एंड है वो मैं आपको बांध दूँगा उससे और एक अपनी काव को देन वेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम और जब मैं रेडी हो जाऊँगा तो मैं अपना ड्रम बजाऊँगा वेन यू हेयर द साउंड पुल वेरी वेरी हार्ड फॉर माई काउ इजक डीप इन द मड और जैसे ही आप मेरे ड्रम का जो साउंड सुनोगे तो आप जोर से खींचना ताकि जो मड में मेरी काव फंसी है वो बाहर निकल आए हो सेट मिस्टर वेल आई एम स्ट्रोंग एनफ टू पुल आउट इवन ट्वेंटी काउस फ्राम द डीपेस्ट ओशियन जो मिस्टर वेल है वो प्राउडली बोलता है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ मैं चाहूँ तो एक साथ ट्वेंटी का उसको बाहर निकाल सकता हूँ खींच सकता हूँ लिटिल मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल एंड रन ऑफ लिप्टी लिप्टी टू द हिल वेयर मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम जूसी लीव्स तो मिस्टर रैबिट क्या करता है जो रोप का रोप का जो एक एंड है वो आ, वेल को बांध देता है और फिर भागते हुए हिल के पास आता है जहाँ पर जो मिस्टर एलिफेंट है वो जूसी लीव्स खा रहा होता है ओ मिस्टर एलिफेंट ही सेड विल यू प्लीज हेल्प मी वो एलिफेंट को जाके भी वही बात बोलता है कि क्या एलिफेंट आप मेरी हेल्प करोगे वॉट इज इट आस्क मिस्टर एलिफेंट मिस्टर एलिफेंट पूछता है क्या हुआ माइकाओ इज टक इन द मड नियर द बीच सेड लिटिल मिसर रेबिट एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट आई एम श्योर यू कुड सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रांग नो वन इज एज स्ट्रांग एज यू तो वो मिस्टर एलिफेंट को भी सेम स्टोरी सुनाता है कि जो मेरी काउ है वो बीच के पास आ, मड में फंस गई है और कोई भी आपके जैसा बिग और स्ट्रांग नहीं है जो उसको बाहर निकाल पाए सर्टेनली सेड मिस्टर एलिफेंट आई विल हेल्प यू ये सुनकर जो मिस्टर एलिफेंट है वो रेडी हो जाता है मिस्टर रैबिट की हेल्प करने के लिए थैंक यू मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर रैबिट फिर से मिस्टर रैबिट जो होता है वो एलिफेंट को भी थैंक यू बोलता है क्योंकि वो वो भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है दिस इज़ वॉट आई विल डू आई हैव दिस रोप आई विल टाई वन एंड अराउंड योर ट्रंक एंड द अदर एंड अराउंड माई काओ देन वेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम वैन यू हेयर द साउंड हेयर द साउंड पुल वेरी वेरी हार्ड फॉर माई काओ इज स्टक डीप इन द मड मिस्टर uh, रैबिट बोलता है कि uh, मैं क्या करूँगा कि जो रोप है ये मैंने आ, मैं आपको बांध देता हूँ और काओ को भी बांध देता हूँ और uh, मैं ड्रम बीट करूँगा जैसे ही आप uh, ड्रम का साउंड सुनोगे तो आप ज़ोर से खींचना ताकि uh, जो मेरी काओ है वो मट से बाहर आ जाए हो डोंट वरी सेड मिस्टर एलिफेंट आई कुड इवन पुल आउट ट्वेंटी काउज एलिफेंट भी प्राउडली बोलता है कि मतलब परेशान मत हो अरे मैं तो एक साथ ट्वेंटी का उसको खींच सकता हूँ मिस्टर रैबिट टाइट द अदर एंड ऑफ द रोप टाइटली राउंड मिस्टर एलिफेंट ट्रंक एंड रैन अवे इन टू द बुशेज देयर ही सेट डाउन एंड बीट द बिग ड्रम तो रैबिट क्या करता है रोप का जो एक एंड है वो मिस्टर uh, वेल और दूसरा जो रोब uh, का जो एंड है वो मिस्टर एलिफेंट को बांध देता है उससे और फिर उसके बाद वो भाग कर बुशेज में चला जाता है वहाँ पर जाने के बाद क्या करता है वहाँ पे बैठ के वो ड्रम बीट करने लगता है बजाने लगता है दिस सीम्स टू बी अ वेरी हैवी काउ सेड मिस्टर एलिफेंट मिस्टर एलिफेंट बोलता है कि लगता है जो ये काओ है बहुत ही भारी है बट आई विल पुल हर आउट लेकिन मैं उसको बाहर निकाल लूँगा आफ्टर ऑल आई एम द माइटी मिस्टर एलिफेंट क्योंकि मैं तो बलवान एलिफेंट हूँ एंड ही डग हिज फीट इन टू द ग्राउंड एंड गेव अ बिग पुल तो जो एलिफेंट है वो अपने पैर जमीन में गड़ा देता है और जोर से खींचने लगता है डियर मी सेड मिस्टर वेल दैट हाउ दैट काउ मस्ट बी स्टक रियली डीप एंड ही पुल्ड विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ तो दूसरी तरफ क्या है जो वेल है उसको भी ऐसा ही लगता है कि जो काओ है बहुत ही भारी है और बहुत गहरी फंसी हुई है तो वो भी अपनी पूरी ताकत लगाने लगती है काओ को बाहर निकालने के लिए मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर दोनों एक दूसरे को जोर जोर से खींचने लगते हैं दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काओ थॉट मिस्टर वेल मिस्टर वेल सोचने लगता है कि लगता है कोई बहुत ही बड़ी काओ है एंड ही जम्प डीप इन टू द सी पुलिंग द रोप विथ हिम तो जो मिस्टर वेल है वो समुद्र में जोर से छलांग लगाती है ताकि जिसकी वजह से जो एलिफेंट है द पुल वॉज सो स्ट्रोंग मिस्टर एलिफेंट केम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग टूवर्ड्स द बीच और जब वो छलांग लगाती है तो उसकी वजह से जो एलिफेंट है वो खिंचता हुआ समुद्र के किनारे आ जाता है नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरेबली टेरेबली एंग्री ही कुड द काव पुल मी सो फार ही थाट उसको बहुत गुस्सा आती है एलिफेंट को और वो सोचने लगता है कि मुझे काउ खींच रही है ही पुल all ऑल हिज माइट एंड केम एंड अप came मिस्टर uh, Whale आउट ऑफ द water। वो जोर से वो गुस्से के मारे वो जोर से फिर खींचता है और जिसकी वजह से जो मिस्टर वेल है वो पानी से बाहर आ जाती है हु इज पुलिंग मी शाउटेड मिस्टर Whale। जिसकी वजह से मिस्टर वेल खूब जोर से चिल्लाने लगती है कौन मुझे खींच रहा है हु इज पुलिंग मी ट्रम्पटेड मिस्टर एलिफेंट और दूसरी जगह जो एलिफेंट है वो भी ज़ोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे कौन खींच रहा है दे बी टू पुल अगेन बट दिस टाइम द रोप ब्रोक मिस्टर वेल टर्न अमर सॉल्ट एंड लैंडेड डीप इन टू द वॉटर मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड्स एंड लैंडेड प्लॉप ऑन द हिल वो दोनों एक दूसरे को इतनी जोर से खींचने लगते हैं कि जो रोप है वो बीच से टूट जाती है और जो वेल है वो पानी में गिर जाती है और एलिफेंट पहाड़ की तरफ आके गिर जाता है लिटिल मिस्टर रैबिट सेट इन द बुशेज एंड लाफ्ट एंड लाफ्ट एंड लाफ्ट और जो ये सब देखकर जो जो रैबिट है जो झाड़ियों में छिपा हुआ था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है आई होप यू ऑल अंडरस्टूड थैंक यू